आज से और 22 तारीख तक लगातार स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिल्ली से शुरू किया है, जितने मंदिर परिसर हैं, मंदिर के आसपास की जगह हैं, उनका सफाई अभियान करना और 22 को फिर उसमें पूजा पाठ करना, भगवान राम की जब स्थापना होगी तब। उसी के सिलसिले में आज यहाँ पर खुर्दा में हम इस मंदिर के पास सफाई अभियान में आए। देखिए ऐसा है, सभी कार्यकर्ता आज से एक सप्ताह तक इस अभियान को चलाएंगे, सभी मंदिरों में उनके आसपास सफाई अभियान होगा और उसमें स्वच्छ भारत अभियान, वैसे तो पुराना कार्यक्रम है प्रधानमंत्री जी का, यदि 11,70,00,000 शौचालय बने तो वो भी इसी का उद्देश्य था। स्वच्छ भारत है तो स्वस्थ भारत है, और स्वस्थ भारत है तो श्रेष्ठ भारत है, तो इसलिए स्वच्छ भारत अभियान। अभी जो अयोध्या में भगवान राम की मंदिर में गर्भगृह में स्थापना होगी, उससे पहले सब जगह पर मंदिरों में स्वच्छता का अभियान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चला रहे हैं, तो 22 तारीख को फिर वहाँ अपने अपने स्थान पर जहाँ जो रहता है उसी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। मुझको ये भी मालूम है जो कार्यक्रम को करने जा रहे हैं वो वहाँ एक मांसाहारी महिला को लेकर गए, तो वो उनके कार्यक्रम में और हमारे कार्यक्रम में अंतर है। हमारा कार्यक्रम तो जब से पार्टी की स्थापना हुई है तब से ही राम मंदिर आस्था का विषय है, वोट का विषय नहीं है, तब से हमारे उसमें है ये, और लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं, और इनका कार्यक्रम तो शायद पहली बार हो रहा है, और इसीलिए हो रहा है, हम तो चाहते हैं उनको प्रेरणा मिल रही है कि ये कार्यक्रम राम का हो रहा है, तो इसलिए वो जगन्नाथ जी में भी उतनी ही आस्था है जितनी भगवान राम में आस्था है, तो हम तो चाहते हैं सभी करें, सभी अपनी अपनी जगह सभी देवताओं का सम्मान करें। देखिए ऐसा है, मैं तो बता रहा हूँ कि चाहे वो काशी कॉरिडोर हो, चाहे अयोध्या का विकास हुआ हो, चाहे द्वारिका जी का हो रहा हो, चाहे वहाँ अपना हमारे ग्वालियर का महाकाल का कॉरिडोर बना हो, यहाँ भी यदि कोई कर रहा है तो जो कर रहे हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरा का पूरा इसमें सहयोग करने का काम करती है। भगवान जगन्नाथ जी में भी उतनी ही आस्था रखती है और वो हमारे लिए उतनी ही आस्था है जितने भगवान राम। हमने कभी इलेक्शन को दिमाग में रखकर हमारे एजेंडे में ये नहीं रहा, भगवान राम की आस्था का विषय आज से नहीं है। पार्टी जब से है लगातार 2100 वर्षों से लड़ाई लड़ी जा रही है, और अडवाणी जी ने कब रथ यात्रा शुरू की थी, तो ये तो हमारी आस्था का प्रश्न है और लोगों के लिए वोट का प्रश्न होगा।